का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं या फिर आपने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है तो ज़रूर कर दें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना प्राप्त होती रहे। आज का जो स्टॉक है, जो बैंक है जिसके बारे में बात करेंगे, उसका नाम है बंधन बैंक। और बंधन बैंक का क्या भाव है, क्या प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, आने वाले समय में कितना रिटर्न देगा या फिर इसके फाइनेंशियल कैसे रहें, कब लिस्ट हुई है, हम सब चीज़ें बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ और बताना चाहूँगी, जो इसके CEO MD हैं चंद्रशेखर घोष बाबू, उनके बारे में ब्रीफ में बता दूँ। हालांकि हमने पिछली दफ़ा भी एक बंधन बैंक का वीडियो बनाया होगा, तो जो नए सब्सक्राइबर्स हमसे जुड़े हों शायद वो ना देख पाए हों, तो उसमें मैं बता दूँ कि चंद्रशेखर घोष बाबू एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से आते हैं। उनके पिता की हलवाई की दुकान थी और वो भी मिठाइयाँ विठाइयाँ बेचा करते थे, छोटी सी दुकान थी। धीरे धीरे उनकी जब नौकरी लगी, पढ़े लिखे पढ़ाई उन्होंने की और नौकरी जब छोटी सी लगी तो नौकरी का त्याग करके उन्होंने एक छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी, जिसमें से ये ठेले वाले सब्जी वाले कामकाजी महिलाओं को मजदूरों को पैसा दिया करते थे और उनसे एक नॉमिनल ब्याज सहित कुछ ऐसा लिया करते थे। तो धीरे धीरे इतने पॉपुलर हो गए, इतने इन्होंने इतना इनक्रेज किया वहाँ की महिलाओं को, घरेलू औरतों को विशेषकर, और तो सक्षम होती गई, वुमेन एम्पावरमेंट होता गया, धीरे धीरे बहुत पॉपुलर होते गए। उनकी माइक्रो फाइनेंस कंपनी का एक अच्छा डेटाबेस बन गया, बहुत सारे कस्टमर्स इनके बन गए, एग्जिस्टिंग कस्टमर इनके पास थे। इस वजह से इनको लाइसेंस भी बैंक का इसलिए मिला, जब गवर्नमेंट ने या RBI ने जब एक लाइसेंस देना चाहा तो इनको मिला, जबकि इनके कंपटीशन में बड़ी बड़ी दिग्गज इंडस्ट्रीज़ के जो अप्लाई करने वाले लोग थे, जैसे रिलायंस, टाटा, ये सब थे और भी कई सारे थे। तो इनको इस वजह से मिला कि इनके पास कस्टमर्स का बेस था और इनका रेपुटेशन बहुत अच्छा था ऑलरेडी, तो इनको ज़्यादा कस्टमर बनाने की आवश्यकता ना पड़ती कम समय में। और इन रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी वर्क किया था, इस वजह से इनका जो है प्लस में था, इनकी जो पॉजिटिविटी थी। अब रही बात मेट्रो सिटीज़ में, तो इन्होंने बहुत सारे ब्रांचेस खोले। तो एक समय ऐसा आया जब इनकी पिछले साल कंपनी लिस्ट हुई, उसके बाद RBI ने इनको कहा कि आप अपनी ब्रांचेस इसलिए नहीं इंक्रीज़ कर पाए क्योंकि आपने डेडलाइन जो हमने दी थी कि आप अपनी थोड़ी सी होल्डिंग जो 80% की थी कम कीजिए। मुझे लगता है कि 40% होल्डिंग जो प्रमोटर्स की होती है उससे ज़्यादा अलाउड नहीं होगी बैंकों में, या मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, समय समय पर गाइडलाइंस चेंज होती रहती है। तो इनकी 80% के आसपास होल्डिंग थी, इस वजह से समय पर ना कम करने की वजह से इनको जो है आगे की ब्रांचेस खोलने में RBI ने मना कर दिया। तो इनका शेयर प्राइस काफ़ी नीचे गिरा था। और अब जो है उन्होंने एक ग्रह होम फाइनेंस है, HDFC की सब्सिडियरी, इस शर्त पे ली है कि इसको टेक ओवर कर लिया है कि HDFC बैंक ने इनके बंधन बैंक में 15% की होल्डिंग ली है और उसके बदले में ग्रह होम फाइनेंस को इसके साथ मर्ज कर दिया, इन्होंने बंधन बैंक को दे दिया। तो बंधन बैंक ज़बरदस्त, मतलब मेट्रो सिटीज़ में भी इनकी अच्छी पकड़ हो गई, एक एग्जिस्टिंग कस्टमर्स उनके सारे मिल गए जितने भी ग्रह होम फाइनेंस के थे। ग्रो होम फाइनेंस ऐसी बैंक है जो होम लोन और मॉर्गेज लोन वगैरह और प्रोवाइड करती है। सॉरी तो चलिए अब हम बंधन बैंक के विषय में आगे बढ़ते हैं। आज का क्या भाव है, कहाँ ट्रेड कर रहा है, मैं जस्ट छोटी सी बात बताना चाह रहा था। और बंधन बैंक आज मई 3 में 2019 BSE पे जो 2:04 पे भाव चल रहा है 624.75 रुपये पे 2.15 रुपये की अपसाइड है। और देखिए 52 वीक लो था 368 रुपीज़ एंड हाई इसने बनाया 741, तो हाई के आसपास ही पहुंचने वाला है, 100 रुपये ही कम है, 100-125। अगर हम चार्ट देखते हैं पिछले एक साल का, तो देखिए हाई इसने यहाँ पे बनाया था 741 का और लो बनाया था 3 महीने बाद इन्होंने अक्टूबर में 370 का करीब, और आज चल रहा है 623 के आसपास। 87% कह रहे हैं कि बाई, 9% कह रहे हैं कि सेल एंड 4% कह रहे हैं कि होल्ड इट। एनीवेज मार्केट कैप है इसका 74,842 करोड़ का, EPS है 16.36 का और PE है इसका 38.34 का और बुक वैल्यू है 95 की, प्राइस टू बुक है 6.60 की। डिविडेंड भी पे करता है, एग्जैक्ट बताएंगे हम लास्ट टाइम इन्होंने कितने रुपए का डिविडेंड दिया, फेस वैल्यू अभी भी 10 की है और डिलीवरेबल है 15% के आसपास। इनके देखिए स्टैंड अलोन के जो रिजल्ट्स आ चुके हैं 2019 के, तो कंपेयर कर लेते हैं हम, ईयर ऑन ईयर भी कंपेयर करेंगे। और तो पहले हम क्वार्टर कर लेते हैं, दिसंबर 2018 में जो इनकी इंटरेस्ट अर्निंग थी 1649 करोड़ की, वहीं मार्च 2019 में हो गई 1832 करोड़ की के आसपास, ज़बरदस्त है। और नेट प्रॉफिट जहाँ दिसंबर 2018 में 331 करोड़ की थी, वहीं नेट प्रॉफिट मार्च 2019 में हो गए 650 करोड़ का, ज़बरदस्त बढ़ा था क्वार्टर में।
डेट हम देख नहीं सकते क्योंकि ये पैसा ये जमा करके या लेके या कर्ज़ा लेके ही कर्ज़ा देती हैं, तो ये इनका बैंकों में नहीं देखा जाता, फाइनेंस कंपनी और बैंकों में अवॉइड करते हैं। आइए, हाँ यहाँ पे देखिए, क्वार्टर टू क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर, ये मार्च दिसंबर अट्रस मार्च, तो हम लोग ईयर ऑन ईयर के देखेंगे। हाँ, मार्च 18 से मार्च 19 में इंटरेस्ट अर्निंग में देखिए 38.35% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 54.24% की अपसाइड है और नेट प्रॉफिट में यहाँ 45.03% की अपसाइड है। तो ईयर ऑन ईयर में भी अच्छे रिजल्ट्स आए और नेट क्वार्टर के में भी अच्छे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। और अभी भी देखिए गुड क्वालिटी कंपनी, जैसे इनका मैनेजमेंट है, जैसे इनका कैपिटल स्ट्रक्चर है और हाँ लिस्टेड है 27 मार्च 2018 को ये लिस्ट हुई थी, बाकी ईपीएस वगैरह हम सब देख ही चुके हैं और रिटर्न भी हम दिखा देंगे। अगर एक साल पहले किसी ने इसमें रुपए लगाए होते तो उनको 20% के आसपास रिटर्न मिल रहा है और जिन्होंने 6 महीने पहले पैसे लगाए हैं उनको 46% उनके अमाउंट पे रिटर्न मिल रहा है, 46% के आसपास। तो नो डाउट काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला है पिछले 6 महीने में, तो ज़बरदस्त इन्होंने रिटर्न दिया है। और देखिए फाइनेंशियल ट्रेंड वेरी पॉजिटिव पे भी ट्रेड कर रहा है फाइनेंशियल ट्रेंड, और वैल्यूएशन हम देख लेते तो वेरी एक्सपेंसिव भी दिखा रहा है। तो एज़ पर डाटा, एज़ पर चार्ट, एज़ पर टेक्निकल यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा सा महंगा दिखा रहा है, लेकिन अगर आपको और सस्ते मिलता है तो ज़रूर बाइंग करें और लंबे समय के लिए, ऐसा थोड़े थोड़े आप शेयर लेते रहें, बैंक अच्छी बैंक है। और शेयर होल्डिंग में देखिए यहाँ पे दिसंबर 18 में जो 82.28% की थी, 19 में 82.26% की है, मुझे लगता है इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए अभी जल्द ही। और म्यूचुअल फंड्स में 17 स्कीम्स में पैसे लगा रखे हैं, FIIs है 117 FIIs हैं और इंडिविजुअल अभी काफ़ी कम है, 1.69% ही है। और इस 1 रुपये का पर शेयर के हिसाब से उन्होंने 12 जुलाई 2018 को डिविडेंड पे किया था और अपने इंडस्ट्री में 6 नंबर पे प्राइवेट बैंक है। दोस्तों मुझे जहाँ तक समझ में आया इस बैंक में, लॉन्ग टर्म के प्रस्पेक्टिव से मैं काफ़ी इस पे पोटेंशियल है क्योंकि इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और बैंक धीरे धीरे ग्रोथ भी कर रही है, एक साल में अच्छा रिटर्न भी है। तो बने रहें आप हमारे साथ, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, जल्द ही एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। और हाँ, एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि कोई भी स्टॉक खरीदने या बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ज़रूर मशवरा कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।